अगर चाहे लाकुट बच्चा इस जन पोश तुलने शाम यथ बॉर्डर पे छोटा बच्चा हमारे ये करेवाज हैं बहुत ज्यादा फेमस है फॉर सैफरन कल्टीवेशन। तो अभी चल रहा है ऑटम, नवंबर का मंथ आ गया है तो जो सैफरन की क्रॉप है उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। तो जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स। तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स, जो बिगेस्ट फैक्टर मुझे दिख रहा है वो है ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि इस एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट होने लगी तो उस वजह से जो सैफरन की पैदावार थी उसकी कल्टीवेशन थी वो कम हो रही है। तो यहाँ पे आप ऑटम का मजा ले सकते हो सैफरन फील्ड्स में। ये बहुत ही ज्यादा फेमस पॉइंट है, यहाँ पे चिनार भी है एंड फोर वे है। दिस इज रियली अमेजिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लावर्स, पोश गोंदर। दिस इज द रूम जहाँ पे कस्टोडियन रहता है जिसको हम रगच कहते हैं कश्मीरी में, एंड दिस इज नोन एज पुअर। ये रहता है यहाँ पे ताकि जो सैफरन होता है उसकी चोरी ना हो, उस वजह से यहाँ पे रहते हैं। तो दिस इज द अमेजिंग प्लेस। ये हमारे करेवा जो बहुत ज्यादा फेमस है फॉर द सैफरन कल्टिवेशन। दिस इज द पॉइंट दैट इज अट्रैक्टिव फॉर द फोटोग्राफर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज इस चिनार को आप देख सकते हो, ऑटम वाइब्स कैन बी सीन हेयर। इसका जो रंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है ऑटम की वजह से। तो नीचे जो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन बन रहा है। ऐसे जो लीव्स हैं यहाँ पे, तो दे आर फॉलिंग डाउन, यू कैन सी फ्रॉम दिस एंगल ऑल्सो। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। यपर से लकुट बच्चा इस जन पोश तुलने शाम यथ बॉर्डर पे छोटा बच्चा हमारे साथ है जो यहाँ पे आ गया सैफरन को प्लग करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सैफरन फील्ड्स हैविंग नो फ्लावर्स। आप तो बहुत ही काम रहे हैं क्योंकि ये जो अक्टूबर का मंथ होता है इसी में होता है, बट यू नो जो हमारा एरिया है तो इसमें सैफरन की जो कल्टिवेशन है वो अब दिन ब दिन उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। उसके बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। तो जो बिगेस्ट रीज़न आई टोल्ड यू इज सेटलमेंट पैटर्न, हमारा सारा चेंज हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हुआ। तो मेजॉरिटी जो है हमारे जो फार्मिंग पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हुए, तो उस वजह से सैफरन जो है वो बहुत ही कम निकल रही है। यू कैन सी हियर। तो इसमें और कोई क्रॉप लगा है अभी, तो मेज भी थोड़ी बहुत कल्टिवेट होती है इस एरिया में, बट उसकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है एज दिस इज आइडल फॉर सैफरन। दिस इज द करेवा सॉइल दैट इज आइडल फॉर सैफरन कल्टिवेशन। तो इसमें सैफरन ग्रो होती है, इनको बोलते हैं कश्मीरी में आठ, जिनमें पानी जमा होती है, तो उस वजह से जो ये यहाँ पे जब बैट्स होते हैं तो ये रहते हैं वेट, तो उस वजह से जो इसमें सीड्स होती है सैफरन की, तो वो सैफरन सीड जो होते हैं वो फिल फ्लावर्स अच्छे से दे सकते हैं। तो फ्रॉम सो मेनी ईयर्स तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी सैफरन कल्टीवेशन को, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने इस पर उतना ज़्यादा कॉन्सनट्रेट नहीं किया। प्लस सेकेंड रीज़न वॉज ह्यूमन सेटलमेंट एंड यू नो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया सब पे। तो यू कैन हैव द व्यू, दिस इज द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ दिस होल करेवाज। इस टाइप की मिट्टी मिलेगी बहुत सारी प्लेसेस पे। एक्चुअली जो मिट्टी होती है यहाँ पे रैट्स होते हैं, जो रैट्स होते हैं दे लव टू ईट द कॉर्न, जिससे जिसको हम मुंड कहते हैं, जिससे ये फ्लावर्स ग्रो होते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको खाने में। तो जब हम देखते हैं अभी तो नवंबर चल रही है, अभी तो उतने ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर, दिस इज़ द फ्लावर।